रीवा शहर की अमहिया पुलिस ने 4 अलग अलग चोरियों का खुलासा किया है। 10 माह के भीतर एक साथ ही बदमाश ने 2 घरों के बाहर से बाइक, पुलिस प्रशिक्षण शाला से विद्युत तार और जनरेटर के कापर वायर चुराई थी। विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के समय प्रयुक्त होने वाली ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। टिकट कटने से नाराज सतना जिले के नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने पीसीसी चीफ और सीएम इन वेटिंग कमलनाथ पर नागौर समेत प्रदेश की कई सीटों पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय किसान नेता योगेंद्र यादव का सोमवार को सीधी जिले के वीथिका भवन में आगमन हुआ, जहां उन्होंने टोंक रोको ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी के साथ आंदोलन में भाग लिया। बता दें, लगातार 29 दिनों से सीधी जिले के ग्राम मूसा मूड़ी में किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीधी में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां सीधी सांसद रिधि पाठक के कॉलेज से भारी मात्रा में घड़ी और कंबल मिला है, जिसे प्रशासन ने सीज कर लिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा। 106 पेज के घोषणा पत्र में यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 27% ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना कराने का वादा भी इसमें होगा। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद ही ट्रेन की बोगियों पर मध्य प्रदेश शासन की कई योजनाओं का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। सतमा आरपीएफ ने सोमवार को 23.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की चांदी पकड़ी है। मामले की जांच स्टेट जीएसटी, इनकम टैक्स और एंटी इवेजन ब्यूरो की टीमें कर रही हैं। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह सीहोर जिले के बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी में छापा मारा है। ट्राइडेंट कंपनी में बनाए जाने वाले 75% प्रोडक्ट तौलिया और चादर विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।